दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ दोस्तों कि मेरी वेब स्टोरीज पे आप देख सकते हो लाइव के 100+ व्यू आ रहे हैं अभी वेब स्टोरीज के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किन टॉपिक पर ज़्यादा काम कर सकते हो जिससे आपकी भी वेब स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और आप दिन के $50 से $100 आप कमा सकते हो। दोस्तों, मैंने भी एक दिन में $140 कंप्लीट कर लिए है। मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको मेरी अर्निंग दिखाऊँगा कि किस प्रकार मैंने एक दिन में $140 क्लियर किए थे और बाकी दिन में भी $50, $90, $80 भी हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने आगे एक दो दिन पहले $140 कंप्लीट किए सिर्फ एक दिन में, आप देख सकते हो कि अगर इंडियन करेंसी इंडियन रुपीस में उसको गुना जाए तो लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा। दोस्तों, आप भी अपनी वेब स्टोरीज को वायरल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। दोस्तों, आप मेरा जो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो तो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक सोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। पूरा ट्रैफिक मेरा यूनाइटेड स्टेट्स से आता है क्योंकि मैं वहाँ के जो रिलेटेड है उसके स्टोरी बनाता हूँ और मेरा सर्वर लोकेशन भी यूनाइटेड स्टेट ही है। दोस्तों, अगर आपकी स्टोरी ज़्यादातर वायरल नहीं होती तो आप गलती कहाँ कर रहे हो दोस्तों, कि आप जो ट्रैफिक उठा रहे हो वो बॉडी डिक्लाइन हो गया, यानी कि जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर ही आपको ज़्यादातर काम करना चाहिए। अगर आप पहली बार वेब स्टोरीज पर काम शुरू करना चाहते हो तो आपको गूगल ट्रेंड से, याहू से, MS.com Bing.com काफ़ी सारे ऐसे जो सर्वर है वहाँ से आप न्यू स्टोरी उठा सकते हो और आपका जो ट्रेंडिंग स्टोरी हो गया वो ज़्यादा वायरल होने के चांस है। आपको दिन के लगभग 10 से 15 स्टोरी डालनी है। जो दोस्तों, ज़्यादा स्टोरी डालने में आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आप ज़्यादा स्टोरी डालेंगे तो आगे जाके आपको कुछ डीमोटिवेशन हो सकता है, अगर आपका एडसेंस भी डिप्रूव हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, अगर आप सिर्फ वेब स्टोरीज पर ही काम करोगे तो आपका एडसेंस अप्रूवल भी डिक्लाइन हो सकता है। दोस्तों, आपको ज़्यादातर वेब स्टोरीज पर काम करना है लेकिन लिमिटेड सिर्फ 10-15 ही आपको स्टोरी डालनी है, ज़्यादा स्टोरी नहीं डालनी है जिससे आपके जो एडसेंस अप्रूवल है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मैं दिन की 8 से 10 स्टोरी डालता हूँ लेकिन बड़ी ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ के निकालता हूँ। उस स्टोरी पे हर रोज़ मेरा 80-90-100 के करीब और व्यू आ जाता है। अभी के लाइव में आप जी आप देख रहे हो लाइव 80-90-100-110-120-150 तक भी चला जा रहा है दोस्तों, लेकिन कंटिन्यू पूरे दिन ये जो और व्यू है वो बने रहते हैं। दिन के मेरे 10,000-12,000 व्यू भी आ जाते हैं। अभी मैंने आपको आगे बताया कि $140 सिर्फ मैंने 10 से 12,000 ही व्यू आए थे मेरी वेब स्टोरीज पे और $140 आ गए थे। क्योंकि दोस्तों, मैं वेब स्टोरीज के साथ साथ जो वेब स्टोरीज है उसके रिलेटेड आर्टिकल भी क्रिएट करता हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ। तो मेरी जो स्टोरी आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी सारी वेब स्टोरीज का जो ट्रैफिक है वो मेरी वेबसाइट पर भी जा रहा है। तो मेरा जो अर्निंग हुआ है वो प्लस हुआ है, यानी कि जितना भी मेरा वेब स्टोरी से अर्निंग हुआ है उतना प्लस मेरी वेबसाइट से भी हुआ है मुझे, तो यानी कि दोनों प्लस हो गया, तभी मेरा $140 हो गया। आप देख सकते हो किसी अभी मेरी 8 से 10 वेब स्टोरी है अभी भी वायरल चल रही है, वो भी बॉडी लिमिटेड व्यू में, फिर भी मेरा $140 लग रहा। आप भी इस तरह से काम करते हो तो आपका भी अच्छे तरीके से ट्रैफिक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। आगे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा वो प्लगइन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी जो थीम है उसे आप यूज़ कर सकते हो और किस तरह से आप डिस्कॉर्ड में अपनी स्टोरी को तुरंत ला सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।